नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आपसे भी आशा करता हूँ आपसे भी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने पी एम्पलीफायर के सर्किट डायग्राम की एसटीडी आपको कराई थी, यानी ये पी एम्पलीफायर कैसे काम करता है इसकी डिजाइनिंग वगैरह पर चर्चा की थी। और एक वीडियो और आया था उसकी रिपेयरिंग एसटीडी पर, तो हमने रिपेयरिंग के बारे में भी आपको जानकारी दी थी कि कैसे कहाँ पर कितने वोल्टेज चेक किए जाते हैं। तो देखिए, उन्हीं वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए। किसी ने बोला कि ड्राइवर ट्रांसफार्मर की डाटा दीजिए मुझे, किसी ने बोला आउटपुट जो हमारा SOT होता है, साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर, उसका डाटा हमें दीजिए। तो उन्हीं सब्सक्राइबरों के कमेंट पर हम आज की ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज की वीडियो हम ड्राइवर ट्रांसफार्मर और जो आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है उसका डाटा आपको देने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने SOT लिखा हुआ है, यानी साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर, जो कि यहाँ पर ये 12 वोल्ट DC पर वर्क करता है। यानी जो हमारे 12 वोल्ट के एम्पलीफायर होते हैं उनमें आप इस ट्रांसफार्मर को लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो इसकी प्राइमरी वायरिंग है, इसमें 48 टन इसमें दिए गए हैं, 48 टन इसमें दिए गए। तो देखिए, ये एक्चुअली वाई फ्लैप वायरिंग की जाती है, और इसी जो वायर गेज यूज किया गया है, यहाँ पर 18 नंबर वायर गेज यूज किया गया है, जो कि ये ट्रांसफार्मर आप यहाँ पर 40 वाट से 60 वाट के एम्पलीफायर में आराम से लगा सकते हैं। ये केवल 60 वाट की आउटपुट, यानी मैक्सिमम 60 वाट और नॉर्मल 40 वाट की आउटपुट आपको दे सकता है। तो देखिए, यहाँ पर ये 48 टन दिए गए हैं और इस यहाँ पर भी 48 टन दिए गए हैं, यानी ये हमारा यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट हो जाता है, यहाँ पर ट्रांजिस्टर के पॉइंट कनेक्ट होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप कॉमन देखने को मिल जाता है 4 ओम, 8 ओम, और यहाँ पर आपको 100 वोल्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो देखिए, कॉमन से 4 ओम के बीच में 66 टन दी गए, और 4 ओम से 8 ओम के बीच में यहाँ पर 66 टन दी गई, जो कि यहाँ पर 19 नंबर वायर गेज से यहाँ पर टन दी गई। और यहाँ पर देखें तो 8 ओम और 100 वोल्ट के लिए, यानी कॉमन और 100 वोल्ट के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि 8 ओम से 100 वोल्ट के लिए यहाँ पर 311 टन दी गए 26 नंबर वायर गेज से। तो देखिए, ये यहाँ पर वार्निंग किस प्रकार से की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको, यानी आप जैसे ही बॉबिन लेंगे तो आपको सबसे पहले वार्निंग करनी होगी कॉमन से 4 ओम, फिर आपको ये वार्निंग करनी होगी जो कि वाई फ्लैप वार्निंग होती है, जिसमें दो वायरों को एक साथ लपेटा जाता है, फिर उसे इस प्रकार से बना दिया जाता है कि यहाँ पर 0 12 0 का हमें देखने को मिल जाता है। तो आई होप कि आपको बाई फ्लैप वायरिंग आती होगी, यदि नहीं आती तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा कि बाई फ्लैप वायरिंग कैसे की जाती है। तो देखिए, आप सबसे पहले आप ये कॉमन से 4 ओम की वायरिंग करेंगे, फिर इसके बाद ये वायरिंग करेंगे, ये 48 48 टन डालेंगे, यानी दो वायरों को एक साथ लपेटते हैं तो केवल 48 टन देने पड़ते हैं, तो हमारे 48 48 टन यहाँ पर हो जाते हैं। फिर आप यहाँ पर 66 टन देंगे तो आपको 8 ओम का ऑप्शन निकल आएगा, और यहाँ पर आप 311 टन देंगे तो 26 नंबर गेज वायर है तो आपको यहाँ पर 100 वोल्ट का ऑप्शन निकल आएगा। तो अब बात करते हैं कोर नंबर की, तो यहाँ पर आप 15 नंबर की कोर यूज कर सकते हैं, और बॉबिन साइज की बात करें तो यहाँ पर आप 1.5 इंच का बॉबिन साइज यूज कर सकते हैं। तो देखिए, ये रहा साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर का वायरिंग डाटा। तो इस प्रकार से आप एक परफेक्ट साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। यहाँ पर कंडीशन क्या आती है कि आपको यहाँ पर थोड़ी टाइट वायरिंग करनी होगी तो आपका ये आसानी से आ जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ पर थोड़ी ढीली वायरिंग करते हैं तो यहाँ पर आप बोबिन साइज को करीब 2 इंच रख लीजिएगा। तो आई होप कि आपके बाद, यानी आपको ये समझ में आया होगा कि साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर का डाटा किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है। ये रहा एक साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर का डाटा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ट्रांसफार्मर को आप केवल 12 वोल्ट के एम्पलीफायर में ही लगा सकते हैं, अदरवाइज यदि 24 वोल्ट के ट्रांसफर यानी एम्पलीफायर में लगाना चाहें तो उसका डाटा अलग होता है। तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसका डाटा भी देने की कोशिश करूँगा। तो आइए एक बार हम यहाँ पर ड्राइवर ट्रांसफार्मर का डाटा भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ड्राइवर ट्रांसफार्मर के लिए भी मैंने यहाँ पर एक ड्रॉइंग ली है। तो देखिए, यहाँ पर सॉरी दूसरी ड्रॉइंग है, तो देखिए ये वाली ड्रॉइंग, तो देखिए इसकी ये प्राइमरी वायरिंग होती है, तो इसमें आपको जो भी टन देने होंगे, तो आप यहाँ पर मैंने टन नहीं लिखे, यहाँ पर आप 5 ओम की वार्निंग करेंगे, और यहाँ पर ये वार्निंग है, ये भी वाई फ्लैप वार्निंग होती है, यानी दो वायरों को एक साथ लपेट कर यहाँ पर ये 3 वायर निकाल लिए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 3 ओम की वार्निंग होगी और यहाँ पर भी 3 ओम की वार्निंग होगी।
तो देखिए वायर गेज की बात करें तो आप यहाँ पर 30 नंबर वायर गेज का यूज कर सकते हैं। बॉबिन साइज तो आप कोई भी बॉबिन साइज ले सकते हैं, और यहाँ पर कोर नंबर, कोई भी कोर नंबर यानी कोई भी कोर आप यहाँ पर ले सकते हैं, कोई भी बॉबिन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। केवल आपके यहाँ पर वायरिंग 5 ओम या यहाँ पर 3-3 ओम की वायरिंग होनी चाहिए। तो देखिए यदि आप यहाँ पर टन की बात करते हैं कि आखिर इसमें कितने टन डलेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर इसके टन भी बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक ग्रीन कलर का मार्कर ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो आप टन देंगे वो आपको 88 टन देने होंगे, और यहाँ पर भी आपको 88 टन देने होंगे। इन यानी जो हमारी प्राइमरी वायरिंग होती है इसकी बात करें तो आपको यहाँ पर 220 टन देने होंगे। तो यहाँ पर 220 टन। तो अब यदि हम यहाँ पर टन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर बॉबिन और कोड नंबर भी यहाँ पर फिक्स हो जाती है। तो यहाँ पर बॉबिन साइज आप यहाँ पर जो रखेंगे वो यहाँ पर आप 0.5 की बॉबिन साइज रख सकते हैं, यानी आधा इंच की बॉबिन साइज यहाँ पर ले सकते हैं। और कोड नंबर की बात करें तो आप यहाँ पर कोड नंबर 17 का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ड्राइवर ट्रांसफार्मर को भी वाइंड कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। और कल की वीडियो में मैं केवल ड्राइवर ट्रांसफार्मर का ही डाटा दिया था, लेकिन आज की वीडियो में मैंने आउटपुट ट्रांसफार्मर भी शामिल कर लिया, क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबरों के कमेंट आ रहे थे कि जो हमारे ड्राइवर ट्रांसफार्मर और आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है, दोनों ट्रांसफार्मर का हमें वाइंडिंग डाटा दीजिए। तो मैंने यहाँ पर आपको डाटा देने की कोशिश करी है। यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ छूट गया है या फिर यानी कुछ कमी है तो आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि मुझे भी पता चल सके कि यानी मुझसे ये गलती हो गई और ये बात मैंने आपको नहीं बताई। तो अदरवाइज़ मेरे हिसाब से तो मैंने आपको एक ट्रांसफार्मर बनाने यानी बनाने की सभी बातें बता दी कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना होगा। तो यही कि आपको भी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा, या फिर आप हमारी सोशल मीडिया वेबसाइटों से भी जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद। कैसे लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा।